हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वोल्ट मीटर दैट विल बी इक्विवेलेंट टू आर प्लस जी। तो आर कितना था, आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 राइट, 1.5 इंटू 10 टू पावर 5, और जी हमने पहले से कन्वर्ट करके रखे हैं, जी कैलकुलेट करके रखे हैं 1 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस, ये थोड़ा सा आप इसको वैसे समझें, 10 रेस टू पावर 5 प्लस प्लस 10 रेस टू पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1, क्यों, क्योंकि इसमें से मैंने 10 रेस टू पावर 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 10 रेस टू पावर 5 था, यहाँ भी 10 रेस टू पावर 5 था, तो यहाँ से 1.5 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, तो दिस विल मेक यू 2.5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 ओम। तो ये हमारे सीरीज का जो वोल्टमीटर जो हमने बनाया है उसकी रेजिस्टेंस इतनी हो गई सीरीज में, राइट। बट अब इसमें पूछ रहा कि ग्रेडिंग भी बताना है, तो ग्रेडिंग कैलकुलेट करने का करना है हमें, तो रेजिस्टेंस पर वोल्ट ऑफ अ न्यू वोल्टमीटर, एक लिख लीजिए स्टेटमेंट ग्रेडिंग के लिए, दैट इज रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो भी हमने फाइंड आउट किया, अपॉन वोल्ट ऑफ न्यू वोल्टामीटर, राइट, क्योंकि हमें वोल्टेज 25 वोल्ट का यूज करना है, राइट, वोल्टामीटर 25 वोल्ट का यूज करना है, तो ये जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं इसको हमने 25 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10,000 ओम पर वोल्ट, राइट, दैट इज ग्रेडिंग विल बी 10,000 ओम पर वोल्ट। तो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, IG इक्वल टू 1.0 एम्पियर, और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज 0.80 ओम, राइट, और कितने का वो है मेजर कितना करना है, I की वैल्यू 5 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो जस्ट एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, पूछा ना व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पीयर, तो शंट का फॉर्मूला हम लोगों ने बता रखे थे आपको, आप लोगों ने अभी दो तीन क्वेश्चन किए, राइट, तो वो यूज कीजिए, शंट एस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, IGG अपॉन आई माइनस IG, राइट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर बताइए कितना है, फिर सेकंड पार्ट करते हैं, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, 0.20 आ गया इसका आंसर, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसका कैलकुलेशन कर लेना है, बहुत इजी है, आ गया सर, 1 g की वैल्यू 0.80 अपॉन I की वैल्यू 5 माइनस IG की वैल्यू 1, ये 0.80 अपॉन 4, ये हो जाएगा 0.20, S क्या है रेजिस्टेंस है, तो ये ओम हो गया, तो S की वैल्यू हमारे पास ये आ गया 0.20 ओम, राइट। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट, राइट, तो ये पैरेलल कनेक्ट होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि 1 अपॉन कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन शंट प्लस 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, राइट। तो आर कैलकुलेट करने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर दो रेजिस्टेंस होता है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या रहता है मल्टीप्लीकेशन यानी जी एस
आर वन आर टू अगर समझे तो आर वन आर टू हो गया प्लस आर वन, आर वन प्लस आर टू जी प्लस एस राइट। तो इसमें भी आपको जी की वैल्यू मालूम है और एस की वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर बताइए। सर 0.032 आ रहा है। तो यहाँ हम जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जी की वैल्यू कितना है 0.80 इंटू एस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे 0.20 राइट अपॉन, इसी को प्लस कर देना है ये तो सिंपल दिख रहा है 0.8.2 यानी कि 1 हो गया तो 1.0 हो गया राइट। तो बहुत ईजी हो गया 0.8 इंटू 0.2 यानी 0.16 अपॉन में 1 है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ तो आंसर आ गया हमारे पास 0.16 ओम। आर की वैल्यू आ गई यानी इतने ओम का कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें करना पड़ेगा ऑफ द एमीटर एंड द शंट राइट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.16 ओम राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह के आपको हैंडल करना है और बीजी क्वेश्चंस दो करने हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा क्या। इस क्वेश्चन में हमें दिया है रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है गैल्वेनोमीटर का जी इज इक्वल टू 10 ओम राइट और गैल्वेनोमीटर का करंट प्रोवाइडेड है IG इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4 इंटू मिली यानी 10^-3 एम्पियर राइट। और रेंज क्या है 0-5 एम्पियर यानी करंट है हमें जो रेंज चाहिए वो 5 एम्पियर यानी कि 5 एम्पियर 0-5 यानी 5-0 यानी कि 5 एम्पियर है राइट। तो ये तीन पैरामीटर हमें दिया है और पूछ रखा है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम राइट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर के लिए दे रहा है, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर यानी गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है और उसका रेंज कितना होना चाहिए 0-5 एम्पियर होना चाहिए राइट। तो हमें शंट हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो ये हमें मालूम है किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस का शंट हमें उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा राइट। तो शंट के क्या फॉर्मूला था, एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन I-Ig। तो ये सारा कुछ वैल्यू आपको इसमें दिया है, ये सब्स्टिट्यूट कीजिए और एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना ओम का शंट उसमें कनेक्ट करेंगे सो दैट कि इतना 0-5 एम्पियर एमीटर रेंज का एमीटर हमें प्रोवाइड हो जाएगा। दर्शन अभी होल्ड ऑन, मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके सर। एस इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितना हमने लिखे हैं 4×10^-3 एम्पियर और इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 है अपॉन आई की वैल्यू 5×10^-3 ये हो गया 4×10^-2 अपॉन, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 5-0.004। सर आप क्या नहीं अभी
तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। तो ये 5 माइनस 4 इंटू 10 को माइनस 3 को सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3 इक्वल टू 4.996 इंटू 10 माइनस 3। कैसे आया इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 5000 लिख सकते हैं 5 को इंटू 10 पावर माइनस 3, वो बात बराबर ही है, ये माइनस 3 और 3 जीरो है तो इक्वल टू 5 ही आएगा। ठीक है, तो कंपेंसेट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये पावर जो होना है 10 रेज़ टू पावर माइनस वाले जो पावर है ना या 10 रेज़ टू पावर प्लस जो भी है वो पावर दोनों टर्म में इक्वल होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज मिस्टेक होगी। राइट, तो 5000 में से 4 माइनस कर दिए, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 कॉमन कर दिए थे, तो ये आ गया 4996 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 को डेसिमल को 3 डिजिट यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट करो तो ये 4.996 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला टर्म कितना आ गया था 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 अपॉन 4.996 दैट विल गिव यू, और ये डेसिमल पॉइंट भी रिजॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 0.008 ओम। राइट, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है4 into 10 to power minus 3 ampere. Right, how can it be converted into a voltmeter of 0 to 24 volt? राइट, हमें किस में कन्वर्ट करना है 20 सर वोल्ट। तो ये आईजी हो गया, और जो हमें वी दिया है जो वोल्टमीटर में बनाना है वो 24 वोल्ट का रेंज का बनाना है, 0 टू 24 वोल्ट। ये फॉर्मूला आपके पास ये है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। राइट, R is equal to V हो गया 24 upon IG हो गया 4 into 10 to the power minus 3 minus 12 हो गया G की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, राइट, 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 into 10 to the power 3 माइनस 12, राइट। तो जिस तरह से हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि इसको आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी सॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस माइनस तभी कर सकते हैं ये जो सेंटर में है, जब ये पावर्स आपको दोनों टर्म में इक्वल हो। तो क्या करने पड़ेंगे आप देखो, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 8 पे कितने जीरो लगा लो 3 माइनस 12, ये कितने हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हमने मिस्टेक कर दिया डिवाइड में, 6 4 24 होगा, तो ये 6 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस 3 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6000 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू पावर 3 है, 3 जीरो लगा दो माइनस 12, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट विल गिव यू 5988। ये हमें से आपने 12 माइनस कर दिए तो 988, तो ये आर की वैल्यू आ गई 5988 ओम। मैं जाऊं? हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिएगा, कल नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। ओके सर, बाय।